Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. दिल्ली के कंझावला मामले में सीएम केजरीवाल के दावे की पोल खुल गई है। दरअसल मृतका अंजलि की मां ने हाल ही में कहा कि दिल्ली सरकार ने उनके इलाज और बच्चों की एजुकेशन के जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है। अंजलि की मां ने ये भी कहा कि हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए ईमेल किया था, लेकिन जब हम मिलने के लिए पहुंचे तो वो हमसे नहीं मिले। उन्होंने 26 जनवरी के बाद आने के लिए कहा है। बता दें कि नए साल के जश्न की रात में अंजलि के साथ हुई इस वारदात से राजधानी समेत पूरा देश हिल गया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी थी कि दिल्ली सरकार मृतका अंजलि के परिवार की हर संभव मदद करेगी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, पीड़िता की मां से बात हुई, बेटी को न्याय दिलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, उनकी मां बीमार रहती है, उनका पूरा इलाज करवाएंगे, पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है, भविष्य में भी कोई जरूरत हुई तो हम पूरा करेंगे। आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ थी। उस दिन सुबह सुबह अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वो कार में फंस गई थी। इसके बाद आरोपियों ने उसे लगभग 12 किलोमीटर तक सुल्तानपुरी के कंझावला तक सड़कों पर घसीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। इसी के साथ एक निजी चैनल से बात करते हुए अंजलि के मामा प्रेम ने कहा कि 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। नाटक नौकरी दी है जो कि आज 20-22 दिन हो गए हैं, उससे तो इनका इलाज ही हो पाएगा। हफ्ते की दवाइयां 5 से 7 हजार रुपए में आती हैं। हमने सीएम से मिलने के लिए ईमेल किया था, जिसके बाद उनके 2 विधायक हमारे पास अपनी टीम के साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी के बाद सीएम आपसे मिलेंगे। कल जब हम गए थे वो नहीं मिले, अब हम 26 जनवरी के बाद जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अंजलि की मां ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी और साथ ही इस केस में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।